जिन्होंने घोटाला किया है, जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया है, उन पर कार्रवाई की जाए। मैंने तो अपने उससे दी मेहनत से, लेकिन फिर भी लोग मेरे ऊपर गलत उंगली उठा रहे हैं। इससे पहले कोई आपने ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया था? हाँ, एक में वेटिंग आया था, उसके बाद फिर नहीं हुआ। किस में आया था वेटिंग? SSC MTS में। अच्छा, वेटिंग नहीं मिलती है उसमें तो भैया मुझे नहीं पता। कुछ बेसिक से सवाल जो मतलब जो भी बच्चा तैयारी करता है वो उसके जवाब दे ही देगा। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा नर्मदापुरम संभाग में है? नर्मदापुरम संभाग है मध्य प्रदेश में। इसमें 4 ऑप्शन है। कौन सा जिला नर्मदापुरम संभाग में आता है? कटनी, सीहोर, हरदा, रायसेन। मध्य प्रदेश में जिले कितने हैं? मध्य प्रदेश में भैया थोड़ा रुक के करें। बहुत से ऐसे सवाल हमने देखे जिसके उत्तर बड़े आसान से थे, लेकिन आप जो भी आपने किया हो वो गलत हैं आपके एंड से। लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो बहुत टफ हैं, लेकिन आपके उत्तर एकदम एक्यूरेट हैं। तो इससे एक संदेह लोगों में पैदा हो रहा है जो सोशल मीडिया पर अलग अलग दावे कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? अब इस पर मैं क्या बोलूँ। मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा में जो कथित तौर पर एक स्कैम की बात चल रही है और कहा जा रहा है कि एक ही कॉलेज से 7 स्टूडेंट हैं जो टॉप 10 में हैं, उनमें जो NRI कॉलेज ग्वालियर का है वहाँ से 7 बच्चे आए हैं। उन 7 स्टूडेंट में जो रैंक 3 पर हैं पूनम राजावत, लल्लन टॉप के कैमरे पर पूनम राजावत हमसे बात करने के लिए तैयार हुई हैं। हम उन्हें 1-2 दिन से अप्रोच कर रहे थे और फाइनली आज हमारी उनसे मुलाकात हो रही है। तो पूनम, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है लल्लन टॉप पे। थैंक यू। ये बताइए कि जब से रिजल्ट आया है पटवारी भर्ती परीक्षा का, क्या क्या चीज़ें आपको फेस करनी पड़ी हैं? पहले दिन खुशी होगी, वहाँ से पूरा माहौल बताइए। मतलब पहले दिन बहुत खुशी हुई थी, फिर जैसे जैसे मतलब न्यूज़ पे देखा लोग बोल रहे कि मतलब फर्जीवाड़ा हुआ है, पैसे देके कराया है। तो अब ये मेरी घर की स्थिति मुझे पता है, लेकिन फिर भी लोगों को किसी पर उंगली उठाने से पहले एक बार जानना ज़रूरी है। जाँच करवाइए, उसके बाद किसी पर उंगली उठाइए, मेरा मतलब ये है। तो ये जब से बातें होने लगी सोशल मीडिया पर, आप तक भी आई होंगी बातें कि इस तरह का फर्जीवाड़ा चल रहा है, तो क्या घर में क्या किस तरीके की बातें हुई? फिर घर में किस तरीके की टेंशन वाला माहौल कि मतलब एक इतनी मेहनत से परीक्षा दी और मतलब तैयारी की, इतनी मतलब 2 साल मैं ही मेरी मम्मा के साथ जाती हूँ हॉस्पिटल वगैरह। हम 3 भाई बहन हैं, सब कुछ मुझे ही करना होता है। उसके बावजूद भी मैंने अच्छा करने की कोशिश की पूरी, लेकिन फिर भी लोगों का कहना ये है कि पैसे से किया। तो मतलब एक अंदर से बहुत डिप्रेशन, मैं सच बताऊँ मैं कुछ दिनों से बहुत डिप्रेशन में हूँ कि मतलब मैंने तो अपने उससे दी मेहनत से, लेकिन फिर भी लोग मेरे ऊपर गलत उंगली उठा रहे हैं। परिवार के बारे में बताइए, परिवार में कौन कौन हैं, क्या करते हैं, किस तरीके का परिवार है, ये थोड़ा बताइए। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मतलब मैं हूँ, मेरे मम्मी हैं, हम लोग 5 हैं। मतलब मेरे दादाजी भी वो घर के बगल में रहते हैं, मतलब किराए से रहते हैं। तो मेरे फादर उसकी क्या बोलते हैं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हैं और मेरी मदर हाउसवाइफ है जो कि अभी कुछ साल पहले पार्लर चलाती थी, तो अब उनकी बीमारी की वजह से वो बंद है। क्या बीमारी है मम्मी को? मम्मा को कैंसर है। अच्छा, और घर में आप सबसे बड़े हैं, छोटे भाई बहन कितने हैं? मैं घर में सबसे बड़ी हूँ, मेरे एक छोटी बहन और एक छोटा भाई है। अच्छा, अब ये बताइए कि पटवारी की तैयारी आप कब से कर रही थी और कब फॉर्म भरा था? मैं 3 साल से तैयारी कर रही थी। मैंने ऑनलाइन भी बैच लिया था, विनर्स से लिया था और ऑफलाइन। विनर्स इंदौर जी। अच्छा, तो वहाँ वो बताइए तैयारी कैसे रही, के कौन से ईयर में आपने तैयारी शुरू की और कब तक आपने पढ़ाई? मैंने 3 साल से तैयारी कर रही हूँ। मतलब मम्मा का हॉस्पिटल जब तक जाना ज़्यादा रहा कि मतलब ऑपरेशन वगैरह हुआ, तो तब तो मैंने ऑनलाइन किया। फिर 1-1.5 साल से मैंने ऑफलाइन क्लासेस ली है। यहाँ जो पिंटो पार्क पे है ना दृष्टि IAS अकेडमी, ओम सर की। अच्छा, ओम सर की दृष्टि IAS अकेडमी से आपने किया, पिंटो पार्क सब्जी मंडी के साथ। अच्छा, ये बताइए पटवारी एग्ज़ाम जो दिया जाता है कितने सब्जेक्ट उसमें होते हैं और उनकी तैयारी कहाँ कहाँ की, कैसे की आपने? उसमें टोटल 8 सब्जेक्ट है, ये सब सभी को पता है। नाम थोड़े से मैं जानना चाह रहा हूँ, हमें नहीं पता, हमें बता दीजिए। जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, मैनेजमेंट है, कंप्यूटर है, GK है, मतलब जनरल नॉलेज वगैरह, उसका कंप्यूटर सब्जेक्ट था और भी 6 हो गए। और दूसरा वो क्या बोलते हैं उसको यार, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, जीएस और क्या बोलते हैं उसको कंप्यूटर, मैनेजमेंट और जी और हिंदी तो मैंने बोल दिया। 7 हो गए। जीएसबी बोला ना। अच्छा ठीक है, तो इसमें सबसे टफ सब्जेक्ट क्या लगा जब तैयारी हो रही थी? मेरे हिसाब से मुझे मैथ्स। और मैथ्स की तैयारी कहाँ की आपने? सब वहीं पर कराई जाती है, ऑनलाइन बैच पूरा परचेज किया था मैंने, जो विनर्स की कोचिंग का बैच था। जी। अच्छा, तो ये जो पूरी तैयारी थी उसके बाद एग्जाम हुआ, कितनी तारीख को एग्जाम था और किस सेंटर में था एग्जाम? मेरा एग्जाम 18 तारीख को था, 18 मार्च को, और जो कि एनआरआई कॉलेज में पढ़ा था। अच्छा, कौन सी शिफ्ट में था? सेकंड शिफ्ट में। अच्छा, अब आपकी आंसर शीट अब सोशल मीडिया पे घूमने लगी है जो आप एग्ज़ाम दे के आई थी, अब उस पर बात करते हैं। बहुत से ऐसे सवाल हमने देखे जिसके उत्तर बड़े आसान से थे, लेकिन आपके अब जो भी आपने किया हो वो गलत हैं आपके एंड से, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो बहुत टफ हैं लेकिन आपके उत्तर एकदम एक्यूरेट हैं। तो इससे एक संदेह लोगों में पैदा हो रहा है जो सोशल मीडिया पर अलग अलग दावे कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? अब इस पर मैं क्या बोलूं, एक सवाल है, ये आप ही की शीट है, मई 2021 में के.आर. गौरी अम्मा का निधन हो गया, किस राजनीतिक दल से वो संबंधित थे? आपका आंसर था साम्यवादी पार्टी। तो ये किस सब्जेक्ट का सवाल था? साम्यवादी पार्टी के जीएस का सवाल। अच्छा, और आपने टिक किया था भारतीय जनता दल। जी, है ना? ऐसे ही कुछ बहुत ही बेसिक से सवाल हैं, जैसे कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के कार्यकाल के बारे में है? आपने लिखा इसमें अनुच्छेद 52 और सही जवाब था अनुच्छेद 56। जी ठीक है, ये तो हो गए ऐसे सवाल। हाँ। जो कि अगर जो जीएस पढ़ रहा था तो उसके लिए बहुत आसान है, ऐसा जो भर्ती की तैयारी, पटवारी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे थे उन लोगों का कहना है। हम मान सकते हैं कि आपका अंदाज़ा इसमें गलत हो। कुछ सवाल ऐसे भी थे कि जिसमें ऑब्जेक्शन के बाद जो परीक्षा कराती है संस्था व्यापम, जिसका नाम अभी ईएसबी हो गया है, उन्होंने उन क्वेश्चन को हटा दिया, उसके क्वेश्चन कैंसिल कर दिए क्योंकि उसमें ऑप्शन नहीं था। लेकिन जो आपने अटेम्प्ट किया उसमें वही ऑप्शन था जो उनकी कुंजी के हिसाब से सेट थे, जैसे जो गलत जवाब उन्होंने सही बताए थे उसी पर आपका टिक था, जबकि बाद में उन्होंने उन सवालों को हटा लिया गया। भैया इस बारे में मैं क्या बोल सकती हूँ, ये मेरे हिसाब से तो नहीं आंसर शीट आई है ना, मतलब ये तो आपने जो लिखा होगा, जो लिखा, लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि उनके हिसाब से था आपने दिया, ये तो मेरे हाथ में तो नहीं है ना ये भैया। हम इसको ये समझना चाह रहे हैं, क्या ये ऐसा तुक्का हो गया था या मतलब आपने पढ़ा था और आप डाउट में थी ये नहीं तो ये होगा, इस तरीके से जवाब दिए थे आपने? भैया इस बारे में भी मैं क्या बोलूँ, आपने कहा कि मतलब उन लोगों के हिसाब से, मतलब जो आपने दिया उनके हिसाब से वो, या आपने यही तो बोला ना अभी, तो भैया इस बारे में तो सरकारी आपको जवाब दे सकती, मैं तो मतलब जो एग्ज़ाम कराता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं एक बहुत बेसिक सा सवाल कहता हूँ जिसका जवाब आपको पता ही है कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? क्या है? दिल्ली। मध्य प्रदेश की राजधानी। अच्छा मध्य, मैंने कोई बात आराम से। हाँ? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। भोपाल। अब आपके पास ऑप्शन आते हैं 4, उदाहरण के तौर पे मानते हैं ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, ठीक है, और आप इसमें से सेलेक्ट कर देती हैं ग्वालियर। और बाय डिफ़ॉल्ट जो एग्ज़ाम कराती है संस्था उनकी जो शीट होती है, आंसर शीट होती है, उसमें भी सही जवाब है ग्वालियर, ठीक है, लेकिन असली जवाब तो भोपाल है जो कि शीट में नहीं है। उसके बाद क्या होता है कि स्टूडेंट ऑब्जेक्शन लेते हैं कि भाई ये तो जवाब ही गलत था, लेकिन आपने चूंकि ग्वालियर भर दिया था और उनकी लिस्ट में भी ग्वालियर ही सही था, जबकि सही जवाब भोपाल है, लेकिन भोपाल उस पूरे आंसर शीट में कहीं से कहीं तक नहीं था। तो ऐसी परिस्थिति में जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर कुछ जगह देखने को मिली हैं जो बड़े आसान से। ये इसका जवाब मैं आपको दूंगी कि मतलब जो एग्ज़ाम करा था वो आप देंगे, तो आप इस पे ऑब्जेक्शन लगा सकती थी, अटेम्प्ट नहीं कर सकती थी, जो भी तमाम चीज़ें थी। और भी एक आध अगर हम कुछ पॉइंट्स की बात करें जो लोगों का कहना है कि अभी तक आपने किसी से बात नहीं की, आपने अपना पक्ष नहीं रखा, इस पे क्या कहेंगे? भैया सच बताऊं तो मैं एक नॉर्मल फैमिली से हूं, मतलब हम लोगों में ये सोशल मीडिया वगैरह मतलब कम मतलब वो करते हैं, इस मतलब लड़कियों को हमारे यहाँ थोड़ा वो किया जाता है, तो इसी वजह से आप कह सकते हो। और एक मेरे अंदर जो हेजिटेशन मतलब है तो वो भी आप कह सकते हैं। अच्छा, इससे पहले कोई आपने ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया था? जी। कौन कौन से दिए थे, थोड़ा विस्तार से बताइए। मैंने बैंक का एग्ज़ाम दिया था और इससे पहले अभी क्या बोलते हैं उसका भी दिया है, एसएससी ने एमटीएस का। अच्छा जी, तो ये इसमें कुछ सफलता मिली आपको इन दोनों एग्ज़ाम में किसी स्तर पे? हाँ, एक में वेटिंग आया था, उसके बाद फिर नहीं हुआ। किस में आया था वेटिंग? एसएससी एमटीएस में। अच्छा, तो तैयारियाँ कब से चल रही हैं आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की? आपको 3 साल से। अच्छा, और बाकी क्या वो कह रहे हैं वेटिंग नहीं मिलती है उसमें? तो भैया मुझे नहीं पता। आपको वेटिंग आई है फिर? आप बता रही ना वेटिंग में आया है आपका। हाँ, मतलब दिखा रहे थे वेटिंग ही दिखा रहे थे। एसएससी वेटिंग कभी देते ही नहीं, बैंक का दिया था ना, बैंक का। अच्छा, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, मतलब पीछे पढ़ाई क्या क्या की है 12वीं के बाद? मैंने 12th के बाद कॉमर्स लिया था, उसके बाद फिर मैंने बीकॉम किया है। और अभी कहाँ से पढ़ाई की वो थोड़ा विस्तार से बताइए। मैंने 12th क्या सनराइज पब्लिक स्कूल से की है, जो कि हमारे पास में ही है, और उसके बाद फिर मैंने बीकॉम बीआरजी गर्ल्स कॉलेज से किया है और एमकॉम भी बीआरजी गर्ल्स कॉलेज से किया। ठीक है, अभी हम ना आपने जो आंसर दिए हैं उसमें से हम आपसे 2-3 बातें पूछें, क्या आप अभी जवाब देने की स्थिति में हैं? सच बोलूँ तो नहीं, मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ। मतलब कुछ बेसिक से सवाल जो मतलब जो भी बच्चा तैयारी करता है वो उसके जवाब दे ही देगा। आप कहिए, आप हाँ कहेंगे तो हम आपसे वो सवाल करेंगे। सॉरी भैया, क्योंकि मैं मतलब उसे अभी मतलब एक होता है ना, कल से थोड़ा सा मतलब डिप्रेस हूँ कि मतलब नहीं हो पाएगा मुझसे। अच्छा, कोई भी बेसिक से सवाल, जैसे आपने तो लंबे वक्त से तैयारी की है, हम मान लेते हैं बहुत ही बेसिक से सवाल हैं हिंदी से जुड़े, अंग्रेजी से जुड़े या जीएस से जुड़े, क्या ऐसे सवाल क्या आप जवाब देना चाहेंगी? 2-3 सवाल मैं दे सकती हूँ, लेकिन भैया अभी आप समझ, आप मेरी स्थिति समझ नहीं रहे। अच्छा, आप ट्राई नहीं करोगी तो अपना ठीक है। अब ये बताइए कि एक बात चल रही है पूरे सोशल मीडिया पे कि 15 लाख दीजिए और पटवारी लीजिए, क्या कहेंगे? तो जिनको लगता है कि 15 लाख दीजिए, जिसने दिए उनका एक बार फैमिली बैकग्राउंड आप चेक तो करवाइए, जांच करवाइए, उसके बाद पे किसी पर उंगली उठाइए कि 15 लाख दिए, 18 लाख दिए, 20 लाख दिए। अच्छा, आपको लग रहा है कि इस पटवारी भर्ती परीक्षा में कुछ फर्जीवाड़ा हुआ है? आपने तो एग्ज़ाम दिया है और आपसे ऊपर 2 लोग हैं, रिंकू सिंह गुर्जर हैं और पूजा शर्मा हैं, 2 लोग हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ फर्जीवाड़ा हुआ है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से आप जैसा दावा कर रहे हैं कि आप जैसे लोगों को परेशान होना पड़ रहा है? इस बारे में मैं किसी की मतलब मैं किसी के बारे में जाने बिना किसी को जज मैं नहीं करती। हम जानने की बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं आपसे कि आपको क्या ऐसा कुछ लग रहा है, क्योंकि पूरे प्रदेश में माहौल बना हुआ है, क्या आपको लग रहा है पटवारी भर्ती परीक्षा में कोई घोटाला हुआ है वाकई में? भैया सर मतलब मेरा बोलना सरकार पर हो भी सकता है, मैं इस बारे में क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसा क्लेम कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां भी करें, मुख्यमंत्री ने भी कहा है। फर्जीवाड़ा हुआ तो पहले जांच हो जाने दीजिए, उसके बाद में ही तो सब पता पड़ेगा ना कि हुआ है कि नहीं हुआ है। अच्छा, आप जांच के फेवर में हैं? जी बिल्कुल, मैं जांच के फेवर में हूँ। आप चाहती हैं जांच होनी चाहिए? जी बिल्कुल होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जी जी बिल्कुल, ठीक है। और क्या बहुत से लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि ये जो परीक्षा हुई है इसको रद्द कर दिया जाए, दोबारा से कराया जाए, इस पर आप क्या कहती हैं? मेरे हिसाब से पहले जांच होनी चाहिए, जांच के आधार पर परीक्षा रद्द होनी चाहिए ना नहीं होनी चाहिए, उस पर डिपेंड करता है। मान लेते हैं जांच में ये पाया जाता है कि बहुत से बच्चे जो हैं उन लोगों ने जो एग्ज़ाम दिया उसमें फर्जीवाड़ा हुआ था, चाहे उनकी जगह सॉल्वर बैठे हो या कंप्यूटर से कोई चीज़ की गई हो, कुछ हैक करके किया हो, जैसा भी हो, हम मान लेते हैं जाँच में ये पाया जाता है कि इसमें भर्ती परीक्षा में घोटाला हुआ है, तो आप क्या चाहते हैं कि ये दोबारा एग्ज़ाम हो या जितने लोगों ने फर्जीवाड़ा किया उनको हटा के बाकियों को ज्वाइनिंग दी जाए? जिन्होंने पहली बात तो जांच होनी चाहिए और जिसने किया है उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, ना कि जिन बच्चों ने मेहनत से किया, नहीं पेपर कैंसिल तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपका कहना है कि परीक्षा जो है रिजल्ट मतलब जांच होनी चाहिए मेरे हिसाब से। उसके बाद जिस जिसने किया उन पर उंगली उठाया जाए ना, उनको हटाया जाए, उन पर किया जाए जो कुछ भी कार्रवाई करनी है। और ये जो पिछले हफ्ते भर से ये सब पूरा चल रहा है, तो जिन लोगों ने बड़ी मेहनत से परीक्षा पास की है उन पर क्या बीत रही है, आप खुद क्लेम कर। मैं समझ सकती हूँ इस बात को, मेरे भैया हैं उन्होंने भी दिया है जो कि क्या बोलते हैं ठाटीपुर पर रहते हैं, विकास राजा भदौरिया, उन्होंने भी दिया है। उनका कौन सा रैंक आया था, नंबर नंबर आपको कुछ आइडिया? उनका रिया कौन सा रैंक था? 18वीं रैंक थी उनकी। अच्छा, उनका एक वेटिंग में आ रहा है, एक कंफर्म जी। अच्छा, 18वीं रैंक उसमें है, कहाँ किस डिस्ट्रिक्ट में 18वीं रैंक है ये मुझे नहीं पता। अच्छा। उनका भी एसडीओ में ही हुआ है। अच्छा अच्छा जी, आपके भैया ने भी दिया, आपने भी दिया, ठीक है। और मेरे बुआ जी के लड़के हैं। अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे आप अपना पक्ष, जो इतने दिनों से बातें चल रही हैं, बच्चे सामने नहीं। हाँ, कि मतलब मेरे बारे में जो बोल रहे हैं ना कि 15 लाख दिया है, वो सब आप पहले जांच कराइए, उसके बाद में मेरे ऊपर उंगली उठाइए। मेरा मतलब बस इतना है मेरा कहना आप सभी से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बच्चियों को भांजी कहते हैं, आप लोग मामा कहते हैं, मामा जी से क्या कहना चाहेंगे? मामा जी से बस यही कहना चाहेंगे कि जांच करवाइए जल्द से जल्द, और जिन बच्चों ने मेहनत की है उनको ज्वाइनिंग दी जाए जांच के बाद, और जिन्होंने घोटाला किया है, जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया है, उन पर कार्रवाई की जाए। एक चीज़ अब आपसे पूछते हैं, ये 15-20 लाख वाली जो बात चल रही है, इस पर आप अभी कुछ बता रहे थे, क्या आप बताइए ज़रा खुल के बताइए। थोड़ा सा ये दूर कर दो। कोई बात नहीं। 15 जैसे मतलब लोग कह रहे हैं ना कि घोटाला हुआ है, मतलब 15 लाख दे के मतलब परीक्षा पास की है, कोई कह रहा 20 लाख, कोई कह रहा 18 लाख। एक बार मतलब जिस पे ये सवाल उठाए जा रहे हैं ना, उसके मतलब घर मतलब पहले तो जांच करो, ठीक है, पहले तो कॉलेज जाओ, हर तरह की जांच करो, फिर मतलब दूसरे पे कि हाँ अगले इंसान की क्या स्थिति है, वो देने के लायक है क्या है। मतलब 18 लाख 20 लाख अगर ऐसा होने लगा तो फिर पढ़ाई तो फिर बेकार ही है ना, मतलब है ना। आप एक चीज़ बताइए, अभी हमने कुछ लोगों से जो उन लोगों के हमारे पास लगातार मैसेज आ रहे हैं, एक बड़ा सिंपल सा सवाल है कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित ज़िलों में से कौन सा नर्मदापुरम संभाग में है ना? इसमें ऑप्शन है कटनी, सीहोर, हरदा और रायसेन। क्या है सही जवाब? क्या बोला आपने दोबारा? मध्य प्रदेश में निम्नलिखित ज़िलों में से कौन सा नर्मदापुरम संभाग में है? नर्मदापुरम संभाग है मध्य प्रदेश में, इसमें 4 ऑप्शन है, कौन सा ज़िला नर्मदापुरम संभाग में आता है? कटनी, सीहोर, हरदा, रायसेन। भैया मैंने आपसे बोला था ना, आप एक बार ट्राई कीजिए, सोचिए जी, थोड़ा सोचिए। आपको पता है मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं? जी भैया, मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, कितने संभाग हैं? भैया आप ऐसे सवाल कर रहे हो मुझे। अरे ये तो ये एक बात नहीं, एक बात बताइए, बहुत बेसिक सी चीज़ है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश में जिले कितने हैं? मध्य प्रदेश में भैया थोड़ा रुक के करें। तो ये थी पूनम राजावत, जो कि मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा में इनका 3rd रैंक आया है, और इनका साफ तौर पे कहना है कि जो भी इसमें दोषी पाया जाता है उसका पता तभी चलेगा, जांच के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। और इनका कहना है कि जो लोग जांच में दोषी पाए जाते हैं उनको हटाकर बाकी लोगों को ज्वाइनिंग दी जाए। कैमरे के पीछे हमारे साथी पंकज हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है, देखते रहिए द लल्लनटॉप। शुक्रिया।